बनारसी थाली में मैं शिल्पी अग्रहरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली पनीर। चिली पनीर के लिए हमें चाहिए पनीर 200 ग्राम, एक शिमला मिर्च चौकोर में कटे हुए, दो प्याज चौकोर में कटे हुए, दो टमाटर कटे हुए, अदरक 2 इंच लंबे कटे हुए, 4 से 5 हरी मिर्च कटी हुई, 8 से 10 पीस लहसुन कटी हुई, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच विनेगर और नमक स्वाद के अनुसार। आधे कप पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल बना लें और अब हम पैन को गरम करते हैं और इसमें डालते हैं कुकिंग ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब हम पनीर को कॉर्नफ्लोर के घोल में डिप करके कॉर्नफ्लोर से लपेट कर सेकेंगे और इसे हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक ही सेकेंगे। सारे पनीर को इस तरह से हम सेक लेते हैं और इसे चारों तरफ से पलट पलट कर सेकेंगे। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन होने पर हम इसे निकाल लेते हैं। सारे पनीर को सेक लिया है और हम इसे निकालेंगे। अब इसे लाइट ब्राउन ही रखना है, आप देख सकते हैं। अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाला है और अदरक के लच्छे काटे हुए हैं उसे भी डाल देते हैं, बारीक लहसुन कटी हुई डालेंगे और 4 से 5 हरी मिर्च हमने डाली हुई। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप मिर्च बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसमें प्याज काटे हुए डालेंगे और शिमला मिर्च भी डाल देंगे साथ में। 2 मिनट इसे हम तेज़ आंच पे क्रंची कर लेंगे, उसके बाद टमाटर डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट चलाते रहेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और पनीर भी डाल देते हैं। आप चाहे तो पनीर सारी चीज़ों के बाद लास्ट में डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें पहले ही डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस, सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच और अब हम इसमें डालेंगे विनेगर और नमक भी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। और साथ में अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर के घोल जो बचे हुए थे वो हम इसमें मिला देते हैं। ग्रेवी आपको जैसी गाढ़ी या पतली चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करिए इसमें। हमने पतली ग्रेवी रखी है तो हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। आपको गाढ़ी ग्रेवी बनानी है तो आप 1 कप ही पानी इसमें डालिए और ड्राई चिली पनीर के लिए 1/2 कप पानी इसमें ऐड करिए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।